बांदा में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। घटना चिल्ला थाना के सादिमदनपुर का है, जहां 130 रुपए को लेकर दो बच्चों में विवाद हो गया और एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार आमिर और मंसूर दोनों एक दूसरे के दोस्त थे और आमिर ने मंसूर को 130 रुपए दिए थे, जिसके बाद आमिर मंसूर से अपने पैसे मांगने लगा। तब दोनों में विवाद हो गया और धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि आमिर ने अपने एक साथी के साथ मिलकर मंसूर की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। 130 रुपए की झगड़ा किया था आरिफ ने, जब जबरन बोला था उसके जेब में 130 रुपए डाला है, लेकिन उसके जेब में 130 नहीं डाला था और इसी तरह से वो किया। उसके बाद वो चला गया घर, अपने जबरन मान रहा था लेकिन नहीं दिए हम लोग। उसके बाद हम लोग नहीं दिए तो उसके बाद वो गया अपने घर लड़ते हुए और मेरा भाई घर में था। उसके बाद कल रात में गए बारात देखने के लिए, तो वहाँ गए बारात देखने के लिए, वहीं उसको गला दाब के मारे। बाथरूम करने के बहाने गुलशन फातिमा इंटर कॉलेज के पास ईदगाह बन रही है, वहीं ईदगाह के पास उसको मारे। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। ये दोनों में लेन देन हुआ था, लेन देन इस सेंस में था कि ये पैसे उधार में लिए थे। कुछ और बातें भी सामने आ रही है, इसको डेवलप कर रहे हैं और लड़के चिन्हित हो गए इसमें, उनसे पूछताछ की जाएगी और जांच में जितने फैक्ट हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी को पकड़ने का दावा कर रही है। देखना होगा पुलिस आरोपी को कब तक गिरफ्तार कर लेती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बांदा से जफर अहमद की रिपोर्ट।